हैं जो संसद में जाओ और लिए आवाज उठाओ। ग्राम रानीपुर के सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी भाई बच्चों, आज हमारे बीच जो है कैरना लोकसभा के लोकप्रिय जुझारू कर्मर चौधरी पूनम हसन जी की लाडली इकरा हसन जी, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी हैं, आपके बीच आई हैं। एक बात अभी अनम भाई बता रहे थे, मेरे भी ध्यान आया, आपने खूब पता होगा 2003 का लास्ट में चुनाव लड़े थे पूनम हसन जी यहाँ से विधान परिषद का, 2004 को लोकसभा मुजफ्फरनगर से लेकर 2003 से विधान परिषद चुनाव लड़ा और उनका मुकाबला जो था, बात जीतने की नहीं है, उनका मुकाबला जो था उस वक्त एक कैंडिडेट थी रमानागर जी, उनके पिताजी बहुत बड़े गुज्जर नेता है रामचंद्र अंकल जी, उनकी बेटी थी, जिला पंचायत के चेयरमैन थे मुजफ्फरनगर और भाजपा की प्रत्याशी थी। लेकिन उस वक्त में उन्हें हर वर्ग और हर दल हर संगठन का वोट नहीं लिया, वो 93% वोट लेगा, 93% वोट लिया उनके लोगों 100 मत और इतना वोट लेगा आपके प्यार मोहब्बत पर विधान परिषद। आज इस कैंडिडेट को भी आपकी हर वर्ग का, चाहे उसमें हमारा ऐसी समाज हो, पिछड़ा समाज हो, किसान हो, नौजवान हो, अल्पसंख्यक हो, अपर कास्ट का हो, हर वर्ग का वोट मिल जाता है और इनकी चाहे तालीम से, चाहे शालीनता से, चाहे सौम्यता सभ्यता सारी चीज है और ये तालीम से आई बहुत और कुछ संस्कारिक हैं पारिवारिक, उन सब चीजों को देख के आज जो है एक वर्ग का तो इसे पूरी समर्थन मिल रहा है, वो है महिलाओं का, चाहे वो जिस समाज की हो, और फिर उसके बाद अपने बड़े बुजुर्गों का, और जहाँ ये आज बैठी नकुड़ में, ये नकुड़ में निहाल है इनकी, तो फर्ज जो है ननिहाल वालों का कुछ ज्यादा हो जा। पहले भी जब इनकी माता जी 3 बार चुनाव लड़ी, 2009 में जीतती, 2018 जीतती और 19 का चुनाव हार गई, लेकिन नकुड़ विधानसभा ना सबसे ज्यादा वोट देकर बैठे, तो कम से कम मैं चाहूंगा नकुड़ विधानसभा के लोगों से कि वो आश्वस्त करें अपनी बेटी को, भांजी को, बच्चे को कि हम जो है पिछला रिकॉर्ड श्री अम्बे का हम ही तोड़ेंगे, उससे ज्यादा जिताए भेजेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, हाथ उठा के ना आश्वस्त करो भाई। हम तो आपका हक है, हम आनंद रहा हूँ, आप भी